इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि संपूर्ण गाजा मिस्र सीमा पर उनका नियंत्रण है और इसी के साथ उन्होंने बताया कि अब तक मिस्र के सिनाई में जाने वाली 20 सुरंगों का पता लगा दिया गया है। 2006 में हथियारों के लिए 14 किलोमीटर की एक पट्टी बनाई गई थी जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। 2007 में हमास ने हिंसक तरीके से फलस्तीनी प्राधिकरण से गाजा का नियंत्रण छीन लिया और सेना ने बताया कि भूमध्य सागर से एक हिस्से को छोड़कर कॉरिडोर के अधिकांश हिस्से में सैनिक भौतिक रूप से मौजूद थे। इसराइल हमास के संघर्ष के बीच अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को रोक दिया। दरअसल खराब मौसम के कारण 320 मिलियन अमेरिका डॉलर की लागत वाली संरचना टूट गई थी जिसके बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया। अश्कलोन के पास इसराइल के तट पर फंसे सेना के जहाजों में से एक को बरामद कर लिया गया है।